आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. रानामाळ्यातल्या पिवळ्या सोन्याला चांगला दर, हरुगिरीची बाजारपेठ फुलली, हळदीच्या बियाणांची मागणी वाढली, तामिळनाडूच्या बियांना पसंती. कर्नाटकातलं हरुगिरी हे गाव हळद बियाणं आणि हळदीसाठी प्रसिद्ध आहे. या बाजारपेठेत मोठी गर्दी झाली आहे. गेले 2-3 दिवस मोठी आर्थिक उलाढालही होत आहे. विजापूर, बेळगाव, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व अन्य जिल्ह्यातील शेतकरी येथे हळदीचं बियाणं खरेदीसाठी येतात. विशेषतः तामिळनाडू येथून येथे बियाणं मोठ्या प्रमाणात येतं. खात्रीचं बियाणं आणि उत्पादन चांगलं देणारं, रोगांना प्रतिकारक करणारं आणि दमदार उगवणूक होणारं म्हणून इथल्या बियाणांना शेतकरी अधिक पसंती देतात. हळदीचं बियाणं घ्यायचं तर हरुगिरीला जायचं अशी जुनी परंपरा इथली कायम आहे. पेठवडगाव येथील तौफिक मुल्ला हे इथले प्रसिद्ध व्यापारी आहेत. आज 2800 रुपयांचा भाव येथे क्विंटलला सुरू झाला आहे. तौफिक मुल्ला हे व्यापारी म्हणाले, इथं बियाणांची विक्री होते तशी हळदीची खरेदीही होते. उन्हाच्या जाम तडाख्यात हळद बियाणं खरेदीदार मोठा प्रतिसाद देत आहे. मानकर न्यूजसाठी हरुगिरीहून मोहन जमादार. नमस्ते. क्या नाम आपका? तौफिक मुल्ला. तौफिक मुल्ला. मुल्ला साहब, मैं एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. यहाँ पे जो ये बीज ला के रखे हैं आप, किसका बीज है ये? तमिलनाडु से आता है. कौन सा है ये? सेलम. सेलम से ही है, लेकिन क्या इससे क्या फुलाता है, ये कौन सा है? क्या ये हल्दी का है? हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये हल्दी का बीज यहाँ पे आपने ला के रखा है, कितने डेपो रहते हैं यहाँ पे? इधर पे कम से कम 12 डेपो रहते हैं. और तुम लोग इसको यहाँ से बेचते हैं? ये बीज यहाँ से कहाँ जाता है? इधर के किसान लेते हैं. क्या रेट होता है इसका? इसका 22 से 28 हज़ार तक होता है. 22 से 28. हाँ, 22 हज़ार का कड़पा है. हाँ, और 28 हज़ार का शेलम. टन का रेट है क्या? हाँ, एक टन का रेट. हाँ, एक टन का रेट. पूरे कर्नाटक से सब लोग यहाँ पे आते हैं, लेके जाते हैं? नहीं, इधर पे थोड़े थोड़े छोटे भी ठिकान है. हाँ, वही पे भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये आता है आंध्र से ही आता है. तमिलनाडु से आता है, आंध्र से कड़पा आता है. अच्छा, खाली ये बीन्स के डेपो यहाँ पे चलते हैं. कितने महीने से चलते हैं ये? 4 महीने चलते. 4 महीने चलते हैं. तो कितना गुलाडाल होता होगा इन लोग 12 लोगों का? नहीं, कम से कम अंदाजे वैसा क्या पता नहीं. नहीं, नहीं चल सकता. ठीक है, तो एक हरुगिर क्रॉस ये हलद के बीज के वास्ते प्रसिद्ध है यहाँ पे. हलद के बीज के वास्ते और हलद वास्ते. हलद वास्ते भी यहाँ के लोग लेके जाएंगे तो अपना अपना खेती में इसे डालेंगे, और जिस वक्त वो तैयार हो जाएगा तो यहीं पे आएगा. और यहाँ से आप लोग कहाँ बेचते हो हलद? तमिलनाडु बेचते. अरे वाह, तमिलनाडु से हरुगिरी क्रॉस पाता है, यहाँ पे वो फसल तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे आता है और तमिलनाडु जाता है. सही बात है.